सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूरजहान है। इससे ज्यादा कहने की ताकत मुझ में नहीं है, इसलिए मैं दिलीप कुमार साहब से एक बार फिर दरखास्त करूंगी कि वो यहाँ आके हमारे मेहमान के बारे में चंद लफ्ज कहें। मेरे दिल में मोहतरमा के लिए जो एहतराम है, उनके लिए, उनके फन के लिए, उनकी शख्सियत के लिए और उनके विकार के लिए जो इज्जत है, वो मेरे अल्फाज को एक इख्तिसार देती है। मुझे ये महसूस होता है कि मैं नाअहल हूं, क्योंकि 35 बरस के बाद अचानक एक ऐसी दिलकश, दिलफरेब हस्ती से फिर मिलना अगर मुयस्सर हो तो इंसान की अक्ल, उसका इदराक, उसके अल्फाज जो हैं, उसके एहसास की तर्जुमानी नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, कह भी सकता हूं, और नूरजहां जी वहां मेरी दाईं तरफ बैठी हुई देख रही हैं, उनके चेहरे पे वही मन मन मुस्कुराहट है जो हमेशा जीनत रही है उनकी चेहरे की और उनकी शख्सियत की। मैं इतना जरूर कहूंगा कि नूरजहां जी, जितने बरस के बाद आप हमसे मिलने आई हैं, ठीक उतने ही बरस हम सब ने आपका इंतजार किया है। प्यारी बातें की हैं मेरे, उनकी तो इतनी खूबसूरत बातें हैं जो मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, उनका जवाब नहीं दे सकती। और कुछ मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे जो मैं बयान कर सकूँ यहाँ आकर अपने पुराने दरीना दोस्तों से, जो मुझे प्यार मिला है, जो शफ़क़त मोहब्बत मुझे मिली है, वो मेरे लिए एक अनमोल ख़जाना है जो मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियों तक मेरे पास रहेगा। अल्लाह करे हम दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और बढ़ें। और इतने समर जाएं कि हम लोग हमेशा ना सही तो अक्सर मिल बैठा करें। यूसुफ साहब, ये जो मेरी प्यारी हंसी खड़े हैं, क्या मालूम मैं कितनी दुआएं करती थी कि या अल्लाह मरने से पहले मुझे सब लोगों से मिला दे, और खासकर इस ने पूरी की कि 35 बरस बाद यहाँ आई, और इतना प्यार आप लोगों ने दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं समा नहीं सकती, इतनी खुश हूँ। मैं कोई तैयारी करके नहीं आई, जैसा आप लोग को मालूम है, ना ही गाना सोच कर आई थी कि गाऊंगी, मगर चूंकि समझती हूँ कि फनकार का जो फन है वो उसका अपना नहीं, ये आप लोगों की अमानत होता है, चाहे वहाँ के हों चाहे यहाँ के। मेरे फन पे जितना हक उन लोगों का है उतना ही आपका है, लिहाजा ये अमानत मैं आप लोगों को जरूर सौंपूंगी, और जो मुझे आता है मैं पेश करती हूँ। आवाज़ से कहाँ है
करते रही है। सुरेंद्र जी की इजाजत के साथ ही उसका बोल देती हूँ। किस्मत पे छा रही है।